गाइस कैसे हो सभी लोग, वेलकम टू माय चैनल जेके टू जेड किंग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक अ टाइम मशीन इन MCPE। सो उसके लिए अब मैं पहले कहाँ था, आई थिंक यहाँ शायद। ये देखो, पहले मैं ऑटोमेटिक पूल बनाने की सोच रहा था पर ये ऑब्जर्वर एक्टिवेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखिए एक्टिवेट ही नहीं हो रहे। सो मैंने बाद में सोचा चलो रहने देते हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मॉब्स क्यों नहीं स्पॉन हो रहे इतने अंधेरे में, मतलब तो भाई वो इसीलिए क्योंकि मैंने मॉब स्पॉनिंग बंद कर दी थी पहले ही। सो आज मैं आपको बता जा रहा हूँ एक उसके लिए मैं जान के जा रहा हूँ भाई। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्सीडियन, क्योंकि मैं ऑब्सीडियन से अपने टाइम मशीन का बनाऊँगा। और फिर मुझे लगी ये सी लैंटर्न, इसे यहाँ रखो। और भाई पिलर भी ऑब्सीडियन से ही बना देंगे। लीवर है, रेडस्टोन भी है, और आई थिंक अब मुझे सिर्फ एक चेयर ले लेते हैं भाई। ओ शिट, मैं भूल गया था इस गेम में चेयर नहीं आती, स्टेयर्स रखो। हम ऊप की स्टेयर्स लेते हैं, ब्लैक स्टोन की स्टेयर्स लेते हैं भाई, ये कूल लगेगा। सो भी सबसे पहले आपको ऐसे इसका लेआउट बनाने, मतलब छोटी सी टाइम मशीन बनाऊंगा, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं होएगा। ए तो भाई अभी मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए ये सब इतना ज़्यादा ऑब्सीडियन बन लगे, वरना अगर सर्वाइवल में होते हैं ना भाई ऑब्सीडियन कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ से थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दो और मैं स्टेयर्स ले गया। मुझे लगा ऑब्सीडियन है मेरे पास। सो गाइस, आई थिंक मैंने वो वीडियो डाली नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैंने नहीं डाली हुई तो अगली वीडियो होगी कि आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट को पॉकेट एडिशन में से जावा एडिशन में बदल सकते हैं, वो भी लाइक टेक्नो गेमर्स। मतलब कुछ भी आपको ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने इस गेम सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो अभी ऑब्सीडियन के साथ ये चलो भाई, यहाँ सी लैंटर्न ही नहीं लग रही यार, कहाँ से लगाऊँ कैसे लगाऊँ। आप अभी ध्यान मत दीजिए इतना किसी भी आवाज़ पे, कि हमने अभी टाइम मशीन बनाई और उसका यहाँ पे होता है ज़्यादा सर। तो अब भी यहाँ पे मैं रखूँगा स्टेयर्स, उधर लग गई। चल भाई अब यहाँ पे आई थिंक मुझे इकट्ठा करना है और यहाँ पे एक लीवर लगा देते हैं और मैंने रेडस्टोन की जगह ही लगा दिया, इसे बीच में रख दो वापस। अब हम सारा सामान भी रख देते, चलो कोई बात नहीं। क्वार्ट्ज का ये तो सब क्वार्ट्ज का है ये और ये। और अब भी मुझे नहीं चाहिए पिस्टन, अभी अब मुझे नहीं चाहिए भाई, चेयर भी नहीं चाहिए भाई। मैं चेयर क्यों लिखता हूँ, मैं स्टेयर्स क्यों नहीं लिखता, क्वेश्चन नहीं होता जिसमें मर्जी डाल दो यार, पता नहीं क्या हो गया। फटाफट से चीट्स एंड कमांड्स, हाँ भाई यहाँ से आपको टाइप करना है अगर आपके पास मोबाइल में /give
@p मतलब आप अगर वो खेल रहे हो अपने के लिए तो आपको ही मिलेगा भाई। अगर आप मल्टीप्लेयर में तो आपको टाइप करना है s मतलब सेल्फ योर सेल्फ, ये दिख रहा है @s कमांड, और फिर आपको डालना है नहीं भाई ऐसे बिना स्पेस दिए बल्ला। ये देखिए मेरे पास आ गया कमांड ब्लॉक, और थोड़ा सा शिट 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 भाई मैंने सही उसके ऊपर बनाया तो थोड़ा सा और डिस्टेंस चाहिए मुझे भाई। सब अंदर चला गया, चल गया चल गया। सो आप सुभाष की टेंशन मत लेना ठीक है भाई, जो भी निकली थी आई वो मेरा भाई था और उसकी आवाज़ मेरे जैसी ही है। तो आई थिंक यहाँ से तो काफ़ी नहीं है, एक ऑब्सीडियन है ना मेरे पास में। और भाई मैं चावल डिशन में तो नहीं खेल रहा, अभी टाइम करते हैं। आपको फिर लिखना है टाइम ऐड भाई, जितना टाइम ऐड करने करते ना 20,000, और सिंपल स्पीड रहने देना। और कमांड सेट हो गई भाई, अब Added 20,000 to the time. ये देखिए Added 20,000 to the time. जी दोस्तों अब आपने देख लिया है तो ये था हमारा टाइम मशीन का काम। सब भी मैं सोच रहा हूँ कि टिकटॉक है टेस्ट करते हैं, सब हो रहा सोच रहा हूँ। मेरे पास रेडस्टोन भी है तो हम ले लेते हैं बस TNT। चल भाई अभी टिकटॉक हैक टेस्ट नहीं करना, मतलब उसे मैं आपको बता रहा हूँ साथ में टिप टाइप ही कह लो आप भाई। मैं कुछ लेंथ नहीं गिन रहा हूँ और मेरे पास कोई मतलब लेंथ गिन के नहीं बना रहा कि कितना, और कोई वीडियो नहीं देख रहा, और यहाँ तक कि जो टाइम मशीन बनाई है उसकी भी मैंने कोई टाइम मशीन की फ़ोटो नहीं ली थी। आप भाई उन्हें कोई फ़ोटो लिया उसमें से बनाया होगा वगैरह वगैरह। सो भाई मैं बिना मेजर किए ही करूँगा और करता रहूँगा। सो यार पूछा तो इतना अभी के लिए ठीक है, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं मतलब लंबा, ताकि थोड़ा सा असर पड़े यहाँ पे। और भाई मैं शिट भूल गया, एक हमें एक और चीज़ चाहिए इसे बनाने के लिए, और वो है एक वाटर बकेट। भाई ये मैंने एक अलग से दोबारा से वर्ल्ड क्रिएट किया है सिर्फ एक हैक टेस्ट करने के लिए, था मतलब ऑटोमेटिक पूल बनाने के लिए टेस्ट किया था और वो मुझे नहीं बना, उसमें मैंने सोचा चलो इस वीडियो बना देते हैं कुछ और की बना देंगे। मेरे तभी दिमाग में टाइम मशीन आई और फिर मैंने टाइम मशीन के बारे में कुछ सोचा, मैंने सोचा कि माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक होता ही है उसमें टाइम ऐड कर डाल देंगे और काम खत्म। और हमारी वाटर बकेट यहाँ पे डलनी है और यहाँ से होएगा सारा काम। यहाँ पे रख देते हैं TNT भाई, आपको इसमें फ्लिंट एंड स्टील की ज़रूरत नहीं है
और भाई शायद लीवर नहीं लेना, लीवर नहीं लेना, बटन चाहिए, बटन चल भाई। अरे प्लेस कर देते हैं स्टोन बटन के साथ, और फिर आप साइड में ये जो ऑक्सीजन लगाए हैं वहाँ पे लगा दीजिए रेड स्टोन, मतलब रेड स्टोन यहाँ से पूरा का पूरा आपको स्केयर बनाना है भाई। ये एक एक ब्लॉक छूट क्यों रहे हैं, मैं TNT के ऊपर लगाने लग गया था, मतलब TNT पे लग भी गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि TNT के ऊपर लग गए। और फिर आप दोबारा से एक ऑब्सीडियम की लेयर बनाइए, कोई बात नहीं, आपको कुछ दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेडस्टोन अपने आप को एक ब्लॉक चौड़ा कर लेता है, मतलब वो आप जो भी चीज़ रेडस्टोन पे रखोगे वो डायरेक्ट उस पर नहीं रखी जाएगी, उससे एक ब्लॉक हवा में रखा जाएगा। तो भाई अभी चलते हैं अपना काम शुरू करते हैं भाई। मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होया, जो मैंने दोनों पास में बनाया है, मतलब इसके पास में ही बना दिया मैंने गलती से, मुझे दूर बनाना था वरना ये फट जाएगा, क्योंकि TNT का रोल है, हम हवा में उड़ेंगे TikTok हैक्स की वजह से हवा में। और प्लीज़ आप इसे सर्वाइवल में मत ट्राई करना, अगर सर्वाइवल में ट्राई किया तो पक्का आप मरोगे। ये लीजिए दोबारा से कनेक्शन बन गया है, और भाई यहाँ पे आपको कोई भी एक ब्लॉक तोड़ना है और लगा देना एक बटन, पर मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैं एक और लेयर ऊपर बनाऊँगा, पर असल में दो लेयर तक का होता है और वो बहुत ऊपर तक जाता है, आप दो लेयर का बना के देखना, और अगर आपका सूट ना किया तो आप तीन लेयर का बाद में बना लेना, नो प्रॉब्लम। पर भाई इससे ज़मीन फटने का डर है, मतलब ज़मीन वो नीचे फट ना जाए, उसके बाद आपको पहले वो रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर जाके आप दोबारा से कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, और अभी टाइम फटाफट से डे कर देते हैं, वैसे मेरे पास टाइम मशीन है तो मैं, चलो कोई बात नहीं, और मैं डायरेक्ट TNT लगाने लग गया। वाओ ऑब्सीडियन लगाने यार, मैं भी एकदम भलक्कड़ हूँ। चलो भाई लग गया लग गया लग गया लग गया, अब तो एक नहीं यहाँ तक कैसे जाता हूँ, भाई मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा, वरना स्टेप्स तो बहुत छोटे हैं, तीन चार स्टेप नहीं है बस। और जावा एडिशन की ये खास बात है कि उसमें एक कर्सर आता है, मतलब प्लस वाला आता है जो PC एडिशन में होता है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल में जावा एडिशन है तो वो अगर कर्सर आएगा तो थोड़ा बहुत मतलब आपको फील भी हो सकता है कि हाँ भाई हम थोड़ा PC एडिशन खेल रहे हैं जावा एडिशन में, ठीक है भाई। और जावा एडिशन में ये चीज़ छोटी हो जाती है, और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मतलब मोबाइल में कह रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन बाकी कंप्यूटर वाली में तो नहीं बनना मुझे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में अभी तक ये ट्राई नहीं की गेम, मैं मोबाइल में ट्राई करना हूँ। मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट इन फ्री, तो आप जल्दी से जाके मेरा चैनल चेक कीजिए और आपको वहाँ से मिल जाएगी मेरी वीडियो का लिंक, सॉरी नहीं क्यों मिलेगी, मेरी वीडियो वहाँ से मिल जाएगी, एक बड़ा बच्चे देख लेना और आपका काम खत्म। चलो यार ये ब्लॉक तोड़ देते हैं और अब लगाते हैं बटन, फटाफट 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 भाई सर, भाई कितना ऊपर आ गया मैं, शिट
मेरे बचने की कोई चांस नहीं है भाई, देखो भाई कितना धीरे धीरे आ रहा हूँ। और भाई मैं ये ओ तो यहाँ पे आ गए हम, इन्हें कहा था ना जमीन फटने का डर है, पूरी की पूरी जमीन ही फट गई। यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाए थे ताकि थोड़ी जमीन ताकतवर हो जाए, भाई ऑब्सीडियन की शक्ति पता है आपको। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपके पहले रेडस्टोन की कनेक्शन चेक कर लेना, क्योंकि अगर वो टूट गए भाई बहुत महंगा हो जाएगा वो। ओके बाय, सो इतना ही आज की वीडियो में, बाय बाय।